अगर आप सेकेंड हैंड बाइक खरीद रहे हैं, कार खरीद रहे हैं, या कोई सा भी फोर व्हीलर या ट्रक खरीद रहे हैं, कुछ भी खरीद रहे हैं आप व्हीकल में, तो भाई चार बातों का ध्यान देना जो मैं बताने जा रहा हूँ। फर्स्ट है आरसी का डेट है कि नहीं है, इंश्योरेंस का भी डेट है कि नहीं है, और POC, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है चौथा, जो पुलिस का कोई केस तो नहीं है, इस पर चोरी का इंजाम तो नहीं है, और कोई अलग से चलान तो कटा नहीं है। ये कैसे चेक करें और कैसे पता करें ये मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। कोई सा एक ब्राउज़र ओपन करना होगा, मैं गूगल ओपन करता हूँ, और गूगल में ओपन करने के बाद मैं टाइप करता हूँ चलान, ई चलान वाहन, वहाँ पे मैं सर्च कर देता हूँ। सर्च करने के बाद ऐसा कुछ इंटरफेस खुलता है, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे ई चलान पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि आपका कोई चलान कटा है, उस पर चलान का नंबर डाल के अगर ये चलान फेक है कि सही है वो चेक कर सकते हैं, और DL पे कोई चलान तो नहीं कटा है और व्हीकल पे कोई चलान तो नहीं कटा है, आप ये सब चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको व्हीकल नंबर डालना है, चेचिस का नंबर डालना है 5 डिजिट, और चेचिस का नहीं है तो आप इंजन का 5 डिजिट नंबर डाल सकते हैं, और कैप्चा फिल करने के बाद आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। अगर आपको इससे नहीं हो रहा है तो आप बहुत सारे प्ले स्टोर पे ऐप आते हैं, ट्रैफिक चलान चेकर, बहुत सारे ऐप हैं ट्रैफिक के बारे में, पे जाके विजिट कर सकते। आपको फिर से गूगल में आना पड़ेगा, आने के बाद यहाँ पे आपको सर्च करना पड़ेगा वाहन समन्वय, इसको सर्च करने के बाद आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो कुछ ऐसा इंटरफेस खुलता है। यहाँ पे सेकेंड वाला वाहन समन्वय इंटरनेट क्वेरी पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस खुलता है। ऊपर दो ऑप्शन दिए गए हैं, आपका बाइक कभी खो गया था या चोरी हो गया था तो ऊपर वाले पे क्लिक करके पता कर सकते हैं वो कहाँ पर है, पुलिस के पास आ गई है कि नहीं, और सेकेंड वाला आप चेक कर सकते हैं कि आप सेकेंड हैंड बाइक ले रहे हैं तो चोरी का है या उस पर कोई पुलिस केस है कि नहीं, ये सेकेंड वाले ऑप्शन पर क्लिक करके चेक कर सकते हैं। और फिर उसके बाद ये पूरा फॉर्म को फिल करना पड़ेगा आपको, जो रेड वाला दिखा रहा है नेम, रजिस्ट्रेशन टाइप और इंजन नंबर, चेचिस नंबर, और जो व्हीकल का टाइप है कौन सा व्हीकल है वो फिल करने के बाद आपको सबमिट पे क्लिक कर। यहाँ पे आप अनेक अनेक प्रकार के देख सकते हैं व्हीकल टाइप में, जीप, कार, लोरी, जितने भी ट्रक वाहन अलग अलग टाइप के यहाँ पे हैं, आपको अपने हिसाब से चूज़ कर लेना। फिर चूज़ कर लेने के बाद आपको यह फॉर्म सबमिट करना है, फिर उसके बाद यहाँ पे नीचे सर्च का बटन दिखा रहा है, सर्च पे क्लिक करके ये ध्यान रहे कि आप जो नाम और व्हीकल नंबर डाल रहे हैं वो सब सही सही हो, और RC पे जो हो वैसी को डालें। ऐसा इंटरफेस खुलता है, ऊपर लिखा हुआ है कि बाइक ना कभी इंश्योरेंस के लिए कोई केस हुआ है, ना कभी इलीगल या कुछ काम के लिए पर्पस यूज के लिए हुआ है, और नीचे जो ब्लैक कलर का रेड ब्लैक हेडिंग दिख रहा है यहाँ पे लिखा हुआ साफ दिखा जाएगा कि ये बाइक चोरी का नहीं है। और ये सब गवर्नमेंट के लिंक हैं, मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये सब लिंक डाल दूंगा, आप वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा या ख़राब लगा लाइक या डिसलाइक करिए, अगर अच्छा लगा तो लाइक करिए, ख़राब लगा तो डिसलाइक करिए, और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।